हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रतिभाज किचन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज कुछ नया बनाते हैं। मौसम भी बाहर बहुत अच्छा हो रखा है, तो चलिए आज हम पनीर भुर्जी बनाते हैं। और इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स लगते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। मैंने यहाँ पे 2 अनियंस लिए हैं, 2 प्याज लिया है, कोरिएंडर मतलब धनिया की पत्ती मैंने थोड़ी सी ली है, इसके साथ साथ कैप्सिकम्स लिए हैं, शिमला मिर्च तो 3 है, और लेकिन मैं ये पूरा शिमला मिर्च नहीं डालूंगी, मैं हाफ हाफ लूंगी क्योंकि मेरे यहाँ घर पे बहुत कम लोग हैं, तो हाफ हाफ एनफ हो जाएगा। और इसके साथ साथ मैं गार्लिक और जिंजर, अदरक और लहसुन ली हूँ जिसका मुझे फाइन पेस्ट बनाना है, और 2 चिली लिया है मैंने। लेकिन क्वांटिटीज आप अपने अनुसार देख सकते हो, आपकी फैमिली में जितने लोग रहते हैं उसके अनुसार आप क्वांटिटीज ज़्यादा या कम कर सकते हो। यहाँ पे जीरा ली हूँ, लाल मिर्च ली हूँ, धनिया पाउडर ली हूँ, और ये जो मैंने आपको एक बार बताया था मेरे पास मैंने एक मिक्स मसाला बनाया है वो मैं ली हूँ, इसकी रेसिपी भी मैं जल्दी शेयर करूँगी आप लोगों से। ये किसी भी सब्जी में ना काफ़ी अच्छा स्वाद देता है। इसके अलावा हल्दी पाउडर लिया है और ये गरम मसाला, और ये मैंने 180 ग्राम्स पनीर ली हूँ। मैं पनीर मैं मार्केट से लेकर आई हूँ, आप घर पे भी चाहो तो बना सकते हो। और मार्केट से जब आप पनीर लेकर आते हो तो इसे हमेशा बॉयल करके बनाना चाहिए, बिना बॉयल किए हुए आप मत बनाओ। ये आप देख सकते हो मैंने पनीर बॉयल करने के लिए चढ़ा दिया है, 5 मिनट तक अच्छे से बॉयल हो जाएगा, और मीनवाइल मैं अपनी सब्जियां कट कर लूँगी। यहाँ देखिए मैं सारी सब्जियों को कट करके तैयार करती हूँ। अनियन को काफ़ी बारीक से चॉप किया है क्योंकि हमें अभी पनीर भुर्जी बनाना है, तो पनीर भुर्जी में जितनी भी सब्जियां हैं उनको काफ़ी अच्छे से चॉप करना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ कैप्सिकम को भी काफ़ी अच्छे से चॉप कर लिया है। पनीर को मैंने बारीकी से मैश कर लिया है काफ़ी अच्छे से, और यहाँ पे मिर्ची को भी अच्छे से कट कर लिया है, और लहसुन और अदरक का पेस्ट बना लिया है। धनिया को भी मैंने अच्छे से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है, इसको गार्निशिंग के समय काम देगा ये। और इसके साथ सबसे महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट जिसका धमाकेदार एंट्री होना चाहिए वो है नमक, किसी भी सब्जी के लिए सबसे ज़रूरी। ऐसे तो सारे इंग्रेडिएंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बट विदाउट नमक कोई भी सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती। तो चलिए आगे हम सब्जी बनाने के प्रोसेस में चलते हैं, चलिए खाना बनाने के प्रोसेस में चलते हैं। सबसे पहले मैं इसमें ऑयल डालूंगी, ऑयल आप ज़्यादा या कम डाल सकते हो, जैसे मैं 1.5 टेबल स्पून ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए, और फ्लेम जो है वो मीडियम रखना है, बहुत ज़्यादा तेज भी नहीं और बहुत ज़्यादा कम भी नहीं, मीडियम से ही रखना है। तो इसमें हम थोड़ा सा 1 टीस्पून जीरा डाल देंगे, जीरा डालने के बाद वो डाल देंगे, मिक्स कर देना है। और जब आपको लगे कि जीरे का कलर और मिर्ची का कलर थोड़ा चेंज होने लगा है तो आप इसमें एक कटा हुआ अनियन भी डाल दें, और इसे फिर डार्क ब्राउन होने तक अच्छे से भून लेना है। थोड़ा डार्क ब्राउन हो गया तो भून तक अच्छे से भून लेना।
आप यहाँ देख सकते हो कि ये प्याज काफी अच्छे से भुन गया है। अब इसमें हम जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे। थोड़ा इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। कैप्सिकम्स ये मैं डाल दूंगी। अब इन सबको क्या करना है, 2 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेना है, अच्छे से भूज लेना है। 2 मिनट तक आपको इसे भूजना है। जैसे मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, जब तक इसका नेचुरल वाटर जो होता है वो थोड़ा सूखने ना लगे तब तक इसको भूजना है। नेचुरल वाटर इसका देखिए सूख चुका है, बहुत काफ़ी कम बचा हुआ है। तो अब हम इसमें ये नमक डालेंगे, नमक अपने स्वाद के अनुसार। और ये पिंक सॉल्ट है तो ये थोड़ा सा ज़्यादा डालना होता है, क्योंकि वाइट सॉल्ट सॉल्ट के उसमें ये थोड़ा कम नमकीन रहता है। नमक डालकर अब इसे हम सब्जी के गलने तक बंद करके इसे ढक कर रखते हैं। और जब हम ढकते हैं तो इसका फ्लेम थोड़ा कम कर देते हैं, 2 to 2 medium के बीच में रखते हैं, क्योंकि अगर 2 to 2 medium के बीच में नहीं रहेगा तो इसके जलने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो 2 to 2 medium पे मैंने फ्लेम कर दिया और इसे ढककर मैं 3 मिनट तक पका लूँगी ताकि सब्जियाँ अच्छे से पक जाए। देखते हैं सब्जी अभी गली नहीं। सब्जी अच्छे से गल चुकी है, अब हम इसमें पहले ये जो पनीर हमने डाला था ना उसको और अच्छे से हाथ से मिलाकर इसमें डाल के देंगे। इसे अच्छे से मिला देना है। पहले तो इसे अच्छे से जो पनीर है उसे क्रश करके इसमें डालकर फिर इसको अच्छे से मिला देना है। और फिर अब इसमें मसाला मिलाना है। चलिए मसाला मिलाने का काम करते हैं। पहले 1 teaspoon हल्दी डाल देते हैं। मिर्ची और ये जो मिक्स मसाला था मैं आपको बताई थी उसको 1 teaspoon से बस थोड़ा सा ज्यादा डालना है। इसके बाद धनिया भी 1 teaspoon डाल देते हैं। डालने के बाद अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है ताकि सब्जी की सभी तरफ में मसाला अच्छे से निकल जाए। और ऐसे ही हम इसे 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे।
सारे मसाले अच्छे से सभी सब्जियों में लग जाए। देखिए 2 मिनट भूनने के बाद ये अच्छे से तैयार हो चुका है और कितना यमी, देखने से बहुत यमी लग रहा है। अब इसे हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसमें धनिया डालेंगे, थोड़ा सा धनिया के पत्ते से इसे गार्निश करना है। कितना यम लगेगा, आप जरूर इस रेसिपी को घर पे बनाएं। अब चलिए इसे परोसने की प्रोसेस में चलते हैं। देखिए ये हमारी सब्जी बनके तैयार हो गई। अब इसे थोड़ा सा अच्छे से सजा देते हैं, लग रहा है ना ढाबा स्टाइल। तो घर पे जब ढाबा स्टाइल खाना बना सकते हैं तो फिर रेस्टोरेंट या ढाबा जाने की क्या जरूरत है। चलिए आप भी फटाफट ये रेसिपी ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि आपको ये कैसा लगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय।